ईंट भट्टे के उद्घाटन पर पहुंचे मंत्री संजीव बालियान ने वहां जमा हुए भारी संख्या में गांव देहात के लोगों से पूछा कि मुझे क्षेत्र में रहने वाले नेता बने रहना चाहिए या दिल्ली में बैठकर ट्विटर चलाने वाला नेता। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि कल की घटना से बहुत दुखी हूं, वो सभी मेरे भाई हैं, बस दिल्ली वालों के बहकावे में चल रही हैं, हमें आपस में प्यार सद्भाव के साथ ही रहना है। भारी संख्या में आए लोगों ने कहा कि मंत्री जी आप हमारी आन बान शान हो, हर तरह से आपके साथ हैं हम। मंत्री संजीव बालियान ने 2013 के दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि जब हम लोग मर रहे थे, मुकदमा झेल रहे थे और एक समुदाय के लोग किसी भी घटना को अंजाम दे देते थे और उनकी खुशामद भी हमें करनी पड़ती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो दिल्ली पर बैठकर ट्विटर पर खेलते हैं। क्या हुआ था और क्या अब आप यहाँ पे आए? मैं तो कल राजवीर सिंह जी की 13वीं में था, तो एक पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के 5-6 कार्यकर्ता आए, वहाँ कुछ नारेबाजी हो की, वहाँ धक्का मुक्की हुई और वे चले गए। मैं भी वहाँ से निकला और अगले गांव का आंकड़ा मेरे कार्यक्रम थे वहाँ चला गया। उसके बाद उसको एक मुद्दा बना दिया गया, एक पार्टी के द्वारा मुद्दा बना के एक तरह से तोड़फोड़ का प्रयास, इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। मैं सांसद हूँ, अगर मैं किसी की 13वीं में जाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो तोड़ने का काम करते हो, किसी की शादी में नहीं गए, 13वीं में नहीं गए, किसी के सुख दुख में रहे, मैं अपने क्षेत्र की अपने जनता को अपना परिवार मानता हूँ, सबके सुख दुख में रहता हूँ, तो एक विशेष तरह का वे मेरे अपने हैं जिन्हें वो किया। हमारे आपस का छोटा झगड़ा था बच्चों का, उस झगड़े को हम आपस में प्यार से सुलझा सकते थे, उस झगड़े को एक राष्ट्रीय स्तर का झगड़ा बनाया जा रहा है। और जब सौरभ गांव में लोग मारे गए दंगों में, जब ये कोई सा भी नेता वहाँ पर कभी पूछने भी नहीं आए, सौरभ में पहले भी झगड़े हुए, जब भी ये पूछने नहीं आए, आज ये राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। भाई 2022 में चुनाव लड़ लेना, 2024 में लड़ लेना, और जनता आपको जिताएगी आप बन जाना, और समाज को मत तोड़िए, समाज को एक रहने दीजिए, हमें आपस में यहाँ प्यार से रहना है, हमें तो यहीं रहना है, वे तो आएंगे और झगड़ा करवा के चले जाएंगे, हमारे समाज को मत तोड़िए, यही निवेदन है मेरा। 2013 का आपने जिक्र किया था, क्या जरूरत आन पड़ी इस समय 2013 का जो आपने जिक्र किया अभी वहाँ से लेके अब तक का पूरा? इसलिए जरूरत आन पड़ी कि बच्चों के छोटे से झगड़े को इतना बड़ा रूप दिया, और जब लोग मारे गए, जब फर्जी मुकदमे लगते थे, तो ये जो नेता आज आ रहे हैं ये उस समय कभी नहीं थे, तो ये आज निराना था आज कम से कम ये बात। आपने माफ कर दिया? मैंने कभी दिक्कत ही नहीं थी, मैं तो अंदर था, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, अगर किसी ने बहका दिया कर दिया कोई बात नहीं, वे मेरे भाई हैं, कहीं कोई बाहर के नहीं, हमें एक खून है, हमें यही रहना साथ, राजनीति करने से पहले भी यहीं थे, आज राजनीति करते हैं, राजनीति के बाद भी सौरभ में ही रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, तो मेरे भाई हैं, मुझे कोई उनसे कोई गिला शिकवा मेरे मन में नहीं है। मंत्री जी, किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं बातचीत होगी और हल निकलेगा, यही कह सकता हूँ। धन्यवाद। ठीक है।